हेलो बच्चों, फिर से अपन पढ़ते हैं हेलो एलिकेंस एंड हेलो एडिंस। और इसमें आज अपनी थर्ड क्लास है बेटा। हेलो एलिकेंस एंड हेलो एडिंस में मैंने आपको पिछली क्लास में नोमेनक्लेचर बताया था हेलो एलिकेंस का और एल्किनाइल्स और एल्काइनाइल हैलाइड्स का। ठीक, आज अपन पढ़ने वाले हैं कि ये डाई हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा, ये डाई हेलो एलिकेंस या डाई हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा, ये अपन पढ़ेंगे। डाई हैलाइड्स क्या होते हैं, तो डाई हैलाइड्स का मतलब ही आप लोग देखो नाम से ही क्लियर है यहाँ पर कि डाई हैलाइड्स का मतलब क्या होगा कि जब दो हैलोजन लगे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, डाई हैलाइड्स बोलेंगे। ठीक, ये डाई हैलाइड्स जो होते हैं बेटा दो दो प्रकार के होते हैं। पहला बोलते हैं इसको अपन जेमिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड। पहले को क्या बोलते हैं बेटा? जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। और दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा? विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं बेटा। दूसरे को बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। ठीक, याद रखना जेमिनल डाइलाइट को शॉर्ट में जेम लिखते हैं और विसिनल डाइलाइट को शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं? विस लिखते हैं। आप इसको याद रखिए। अब ये दोनों की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि जेमिनल डाइलाइट और विसिनल डाइलाइट क्या होते हैं, तो मैं इसके सामने ही लिख रहा हूं उसका डेफिनेशन कि व्हेन टू सेम हैलोजन व्हेन टू सेम हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड When two same halogen atoms are attached to same carbon, then they are called geminal। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? geminal dihalide बोलते हैं बेटा। इसको अपन क्या बोलते हैं? geminal dihalide बोलते हैं। अगर दो है ना, मैं इसकी बात अभी कर ही नहीं रहा, अभी तो मैं सिर्फ जेमिनल डाइलाइट की बात कर रहा हूं। जेमिनल डाइलाइट का बोलेंगे जब एक ही कार्बन पर दोनों डाइलाइट मतलब दोनों हैलाइट लगे रहेंगे। ठीक, इसको अपन जेमिनल डाइलाइट बोलते हैं, है ना। अगर मैं एक एग्जांपल देखूं, इसका एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे ये है CH3CH और यहां पर भी Cl लगा दिया और एक और Cl लगा दिया, तो आप देख सकते हैं कि एक ही कार्बन के ऊपर दो Cl लगे हुए हैं, एक और ये दो Cl एक ही कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? जेमिनल डाइलाइट कहलाएगा। अब जेमिनल डाइलाइट का जो बेटा नाम लिखते हैं, जेमिनल डाइलाइट का जो हम नाम लिखते हैं वो अपन लिखते हैं एल्काइलाइडीन हैलाइड। इसका जो कॉमन नेम लिखते हैं बेटा वो लिखते हैं एल्काइलाइडीन हैलाइड। ये इसका कॉमन नेम है, याद रखेंगे, ये इसका कॉमन नेम है बेटा। IUPAC तो वही सिंपल जैसा अपन पढ़ते आ रहे हैं वैसे लिखेंगे। इसका क्या नाम होता है? एल्काइलाइडीन हैलाइड। तो ये भले डाइहैलाइड है लेकिन इसके कॉमन नेम में अपन डाइहैलाइड नहीं लिखते हैं। ये जो आपको डी दिख रहा है ना एल्काइलाइडीन, इसमें जो आपको डी दिख रहा है ना यही इसमें डाई का काम करता है। जैसे कि दो कार्बन है बेटा, तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। तो यहां बोलेंगे इथाइलाइडीन। क्या बोलेंगे? इथाइलाइडीन। इसका मैं कॉमन नेम बता रहा हूं बेटा, इथाइलाइडीन क्लोराइड। तो यहां पर देखिए दो क्लोरीन लगे हुए हैं लेकिन मैं डाई क्लोराइड ही लिख रहा हूं, सिर्फ क्लोराइड लिख रहा हूं बेटा, सिर्फ क्लोराइड लिख रहा हूं। इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ क्लोराइड लिख रहा हूं इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि ये जेमिनल डाइहैलाइड है। अगर दो भले दो लगे हो पर डाइक्लोराइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर इथाइलाइडीन के अंदर ही हमने दो का जिक्र कर दिया। अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो IUPAC नेम देखिए, एक ही कार्बन के ऊपर दो क्लोरीन लगा दिया आपने, तो यहां पर 1,1 डाइक्लोरोइथेन, या फिर सिर्फ लिख सकते हैं डाइक्लोरोइथेन, है ना, या फिर आप इसको लिखते हैं 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो ये इसका कौन सा नेम हो गया बेटा? ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया डाइहैलाइड का क्या मतलब हुआ कि जब किसी कंपाउंड में दो हैलोजन लगे होते हैं उसको अपन डाइहैलाइड बोलते हैं, और दो सेम एटम दो सेम हैलोजन यदि एक ही कार्बन पर लगे हो उसको अपन जेमिनल या जेम बोलते हैं। और विसिनल किसको बोलेंगे? तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं विसिनल के बारे में बताता हूँ। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको विसिनल डाइहैलाइड के बारे में बताऊंगा। जेमिनल डाइहैलाइड में मैंने आपको क्या बताया कि जब एक ही कार्बन के ऊपर दोनों सेम हैलोजन एटम अटैच होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। फिर अपन विसिनल की भी बात करेंगे बेटा, विसिनल क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले आप लोग जेमिनल लिख लीजिए, फिर मैं आपको विसिनल की भी बात बताऊंगा। इसका कॉमन नेम जरूर लिखना बेटा आप, अल्काइलाइडीन हैलाइड। एक चीज मैं यहाँ पर और लिख दूं, विसिनल डाइहैलाइड का नाम जो होता है बेटा वो अल्काइलीन डाइहैलाइड होता है। इसमें हम डाइहैलाइड लगाते हैं तो इसमें हमने एल्काइलीन डाइहैलाइड इसका नाम लिख दिया। ये भी इसका कॉमन नेम ही है ना। ये किसका नेम है? ये
विसिनल का नाम है बेटा, विसिनल का नाम क्या होता है, एल्काइली डाइहैलाइड होता है। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं विसिनल का डेफिनेशन आप लोगों को अभी अभी बताऊंगा। इसको आपने नोट कर लिया होगा डेफिनेशन, तो मैं इसको मिटा देता हूं। विसिनल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा, विस लिखते हैं। और इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि व्हेन टू सेम हैलोजन एटम, व्हेन टू सेम हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड, व्हेन टू सेम हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट एडजेसेंट कार्बन, देन दे आर नोन एज विसिनल डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स कहलाते हैं ये बेटा। और इसके अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं बेटा, ये रहा आपका एग्जाम्पल CH2, यहां भी मैंने CL लगा दिया, यहां भी मैंने CL लगा दिया। अब देखिए ये विसिनल डाइहैलाइड है, अगर मैं इसके आयु कॉमन नेम की बात करूं तो देखिए इसका कॉमन नेम क्या है, एल्काइलीन डाइहैलाइड। तो दो कार्बन को क्या बोलेंगे, इथाइलीन, क्या बोलेंगे, इथाइलीन डाइक्लोराइड। जो ये वीडियो अपन ने स्टार्ट किया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था कि डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, इसके कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं। अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं, देखो बेटा दो कार्बन 1-2 पहले और दूसरे दोनों पे क्लोरीन लगा है, जिसका नाम होगा 1-2 डाइक्लोरो इथेन, 1-2 डाइक्लोरो बेटा इथेन हो जाएगा इसका नाम। इसको भी आप नोट कर लीजिए, है ना। जो आज अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है बेटा। आपको जल्दी जल्दी इसको नोट कर लेंगे। चलिए इसको आप लोगों ने नोट कर लिया हो, ये था आपका टॉपिक डाइहैलाइड और उसका कॉमन नेम एंड IUPAC। इसका कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। डाइहैलाइड का यूज कब करेंगे, डाइहैलाइड का यूज कब करेंगे, जब वो विसिनल डाइहैलाइड की बात करेगा। और जब हम जेमिनल डाइहैलाइड की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ हैलाइड लगाते हैं और इथाइलीन इथाइलाइडीन, तो इस तरह से उसका नाम हम रखते हैं। अगर मैं बात करूं कि कुछ और, जैसे दो से ज्यादा हैलोजन जब लग जाते हैं तो इसमें अपन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा क्लोरोफॉर्म, ये फॉर्मूला होता है बेटा क्लोरोफॉर्म का, है ना। इसका नाम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है बेटा क्लोरोफॉर्म, है ना। अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो देखिए एक ही कार्बन के ऊपर तीन, तो 111 तीन बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1-2 की बात तब करेंगे ना, देखो कम से कम दो कार्बन इसमें, तो जो भी क्लोरीन लगा हुआ है वो एक ही कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो, क्या नाम हो जाएगा बेटा, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसी तरीके से अगर आपसे लिख दे CHBr3, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोफॉर्म के बदले में यहाँ पर क्या लिख देंगे, ब्रोमोफॉर्म, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। और अगर इसके IUPAC नेम की बात कर दे तो लिख देंगे ट्राइब्रोमोमीथेन, ठीक। इसके लेकिन ये जो कंपाउंड है बेटा, इसको अपन मेनली कॉमन नेम से ही जानते हैं, CHI3, इसका नाम होगा बेटा आयोडोफॉर्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आगे चल के इसका नाम आप देखेंगे, इसका नाम हो जाएगा ट्राई आयोडो मिथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई आयोडो मिथेन। इसी तरीके से मैं एक और लिख देता हूं आप लोगों को, CCl4, इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा, आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। ये मैंने आपको डाइहैलाइड बताया और पॉलीहैलाइड्स भी आपको मैंने बता दिया, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे बेटा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था, डाइहैलाइड, जिसमें जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड की हम बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ हैलोएरिंग्स की बात बता रहा हूं बेटा, अब मैं आपको कुछ हैलोएरिंग्स की बात कर रहा हूं, मतलब नोमेनक्लेचर ऑफ, मैं आपको बता रहा हूं कि नोमेनक्लेचर
ऑफ हेलो एडियंस कैसे करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि हेलो एडियंस टॉपिक तो अपन अलग से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका नोमेनक्लेचर अभी बता देता हूँ, क्योंकि अपन सारा नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं अभी। तो बहुत सिंपल है बेटा, अगर मैं हेलो एडियंस की नोमेनक्लेचर की बात करूँ तो ये बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए बेंजीन रिंग है और इसके साथ सीएल लगा हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा होता है तो वही क्या कहलाता है, हेलो एडियंस कहलाता है। तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो इसका नाम बहुत सिंपल है, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन, है ना। इसका कॉमन नेम भी क्लोरोबेंजीन है बेटा, इसका कॉमन नेम भी क्लोरोबेंजीन है और इसका आईयूपीएसी नेम भी सेम। इसका आईयूपीएसी नेम भी क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए होंगे, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। लेकिन आप याद रखना कि जब भी हम हेलोएडियंस की बात करेंगे और कॉमन नेम्स की बात करेंगे तो जब भी डाई सब्स्टिट्यूटेड आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक सीएल आ गया और यहां पर एक सीएल आ गया। देखो बेटा ध्यान से, यहां पर दो सीएल आ गया तो आप देखिए वन पोजिशन और टू पोजिशन पे आ गया। तो अगर मैं इसके आईयूपीएसी की बात करूं तो इसका आईयूपीएसी नेम तो हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन मैं अगर कॉमन नेम की बात करूं बेटा, तो आप याद रखेंगे कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए याद रखेंगे कि 1,2 पोजिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो बोलते हैं। 1,3 पोजिशन को क्या बोलते हैं बेटा, मेटा पोजिशन बोलते हैं। और इसी तरीके से 1,4 पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजिशन बोलते हैं बेटा। ऑर्थो को शॉर्ट में हम ओ से लिखते हैं, मेटा को हम शॉर्ट में एम से लिखते हैं और पैरा को हम शॉर्ट में पी से लिखते हैं बेटा। आप देखिए ये 1,2 पोजिशन पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि एक बेंजीन रिंग है और एक बीआर यहां लगा हो और एक बीआर यहां लगा हो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अगर वन पोजिशन है तो ये टू है और ये थ्री है, तो ये 1,3 पोजिशन पे बीआर और बीआर लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, या फिर 1,3-डाइब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से मैं पैरा की बात कर लेता हूँ, यहां पर कर लेता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग है और यहां पर आई लगा हो और यहां पर भी आई लगा हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, पैरा डाई आयोडो बेंजीन या फिर 1,4-डाई आयोडो बेंजीन, है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि लोग याद कर लेते हैं कि यहां वाले को ऑर्थो बोलते हैं, यहां वाले को मेटा बोलते हैं और यहां वाले को पैरा बोलते हैं। तो बेटा ऐसा बिल्कुल मत करना, है ना। मैंने किसी से पूछा कि बताओ इसका नाम क्या है, अगर मैंने आपसे किसी से पूछा कि बताओ इसका नाम क्या है, आपने बोल दिया पैरा आयोडो बेंजीन, गलत हो जाएगा। जब तक डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात नहीं करेंगे, जब तक दो सब्स्टिट्यूट नहीं रहेंगे, तब तक हम ऑर्थो मेटा पैरा की बात ही नहीं करेंगे। इसका नाम सीधे हो जाएगा आयोडो बेंजीन, ठीक है बेटा। अब लोग याद कर लेते हैं कि भाई ये पैरा पोजिशन है, ये मेटा पोजिशन, इसको ऑर्थो, इसको पैरा नहीं बोलते, इसको मेटा, इसको ऑर्थो नहीं बोलते। मैं बोल रहा हूँ 1,2 पोजिशन को ऑर्थो बोलते हैं, 1,3 पोजिशन को मेटा बोलते हैं और 1,4 पोजिशन को बेटा पैरा बोलते हैं, ठीक है ना। जब दो सब्स्टिट्यूट नहीं है तो हम काहे का ऑर्थो, काहे का मेटा और काहे का हम पैरा की बात करेंगे, है ना। यहाँ पर तो एक ही लगा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है, डाई लग भी गया, मान लीजिए कि यहाँ पर आई लग गया, ठीक है, यहाँ भी आई लग गया, यहाँ पे फिर भी आप लोग बोले सर एक मेटा पे लगा एक पैरा, नहीं बेटा ये ना तो मेटा है ना पैरा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर दो लगे होंगे तो ये वन है, ये टू है बेटा, है ना। आप समझ गए होंगे कि जहां पर ये ग्रुप लगा हो वही वन पोजिशन है, तो ये 1,2 पोजिशन के ऊपर क्या बोलेंगे, ऑर्थो बोलेंगे बेटा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाई आयोडो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। और अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो 1,2-डाई आयोडो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ऑर्थोमेटा का क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसको आप नोट करिए, फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ऑर्थोमेटा का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, आप समझ गए होंगे। आप लोग याद नहीं करेंगे, जब तक दो सब्स्टिट्यूट नहीं रहेंगे तब तक तो हम ऑर्थोमेटा की बात ही नहीं करते बेटा। और जब दो सब्स्टिट्यूट लग भी जाएंगे तो हम बहुत केयरफुली देखेंगे कौन सी पोजिशन पे लगे हुए, ऐसा नहीं कि हमने रट लिया है, रटना नहीं है यहाँ पर, ठीक। अगर ये हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। देखो बेटा
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आप सबको पता है कि यदि बेंजीन रिंग पर है ना, ये आपने 11th में पढ़ा है कि अगर बेंजीन रिंग पर CH3 लगा होता है इसको अपन टॉलविंग बोलते हैं। आप सबको पता है ये बात, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, टॉलविंग बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई हेलोएडीन इस प्रकार है, कोई हेलोएडीन इस प्रकार है बेटा, यहाँ पर CH3 लगा है और यहाँ पर CL लगा हुआ है, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे। ये 1.2 है, इसको आप बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटॉलविन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थोक्लोरोटॉलविन, या फिर इसका IUPAC नेम क्या बोलेंगे, 2-क्लोरोटॉलविन। आप समझ गए होंगे इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2-क्लोरोटॉलविन। या फिर अगर मैं दूसरे की बात करूं, सपोज कर लो यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ पर मैंने I लगा दिया, तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये 1 है, 2 है, 3, तीसरे पे I लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, मेटा आयोडोटॉलविन। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि डाई सब्सटीट्यूटेड रहेगा तब जाके हम ऑर्थोमेटा का, तो भाई डाई सब्सटीट्यूट है ना, भले हमने इसको एक साथ टॉलिन बोल दिया लेकिन है तो डाई सब्सटीट्यूट। जब भी 1.3 की बात होगी तभी जाके हम ऑर्थो और मेटा की बात करेंगे, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3-आयोडोटॉलविन। 3-आयोडो क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम टॉलविन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, यहां पर ऐसा लिख दिया है ना, और इस बार मैं सिर्फ IUPAC नेम आपसे पूछ रहा हूँ, इस बार मैं आपसे सिर्फ IUPAC नेम पूछ रहा हूँ, इस बार अपन इसको ना तो ऑर्थोमेटा पेरा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब दोनों सेम लगे होते हैं बेटा तब अपन ऑर्थो और बेटा की बात करते हैं। वैसे तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1.4 पोजिशन पे, मतलब पैरा पोजिशन पे, तो आप पैरा पे दोनों सेम होता ना तब जाके हम पैरा की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ IUPAC नेम की बात कर रहे हैं। अब हम कहाँ से गिने, हम यहाँ से गिने या यहाँ से गिने, है ना, आपको लगेगा सर ऊपर वाले से गिनेंगे, नहीं, अगर आई यहाँ हो और BR यहाँ हो तो कहाँ से गिने, तो बेटा यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3 और ये 4। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 है ना, 1 ब्रोमो 4 आयोडो और साथ में क्या लिख देंगे बेटा, बेंजीन लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसको भी नोट कर लीजिए आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको अगला, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हेलोएडीन एक्चुअल में है ही नहीं। जो मैं आपको अगला टॉपिक बताने वाला हूँ वो एक्चुअल में हेलोएडीन है ही नहीं, है ना। हेलोएडीन कब बोलते हैं बेटा, आप एक बार याद कर लो, हेलोएडीन कब बोलते हैं बेटा, जब हम हेलोएडीन कब बोलते हैं, जब जो हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो तो उसको अपन हेलोएडीन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिखा कि ये बेंजीन रिंग है, है ना, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है और इसके साथ CL जुड़ा हुआ है, तो क्या ये जो CL है ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है क्या, नहीं, आप बोलेंगे नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको आप, ये डायरेक्ट अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा बेटा, बेंजाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, याद रखेंगे इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, इसका नाम हो जाएगा बेटा बेंजाइल क्लोराइड। क्यों हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उसमें बेंजाइल भी एक टाइप आया था, जब बेंजीन रिंग के साथ SP3 कार्बन जुड़ा उसके साथ CH जुड़ा हो, ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, अगर ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर CH है और यहाँ पर Cl2 लगा हो बेटा, देखना यहाँ से एक H हटा दिया और एक Cl और लगा दिया तो CH Cl2 हो गया, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा बेंजल क्लोराइड, याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजल क्लोराइड। जबकि दो क्लोरीन लगे हुए हैं लेकिन अपन डाई क्लोराइड नहीं लिखा, तो याद रखेंगे जैसे ही बेंजल आपने लिख दिया तो इसका मतलब ही होता है कि ये CH है और बाकी की वैलेंसी जो है वो क्लोराइड से यहाँ पर भर गई, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड लिखा हुआ है तो बाकी की वैलेंसी यहाँ पर क्लोराइड से ही भर जाएगी, ठीक, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बेंजल क्लोराइड बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक ही कार्बन है और इसके साथ 3 Cl जुड़े हुए हैं, आप समझ गए, एक और हाइड्रोजन हटके और एक क्लोराइड और लग गया तो CCl3 हो गया, इसको अपन बोलते हैं बेंजो क्लोराइड, याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजो क्लोराइड। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 3 क्लोरीन जुड़े हुए लेकिन ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा अपन ने, क्यों नहीं लिखा ट्राई क्लोराइड, क्योंकि एक बार आपने बेंजो बोल दिया इसका ये मतलब हुआ कि बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है ना, उसकी बाकी की सारी वैलेंसी वो क्लोरीन के साथ ही जुड़ा रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आप इसको भी समझ सकते हैं। ये इसके नाम है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड एंड बेंजो क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
ये तो था बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड, है ना। अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूं, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया सी एच टू, एक दो एक तीन चार सी एच टू, और ये लिख दिया बी आर। देखना बेटा यहां से, ये ना तो बेंजल है ना बेंजो है ना बेंजाइल है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो बेटा आपको यहां पर क्या करना है। देखो दो चेन आपको दिख रही है, एक तो खुली चेन ये बाहर दिख रही है और एक बंद चेन ये बेंजीन रिंग की दिख रही है। तो मैं मेन चेन किसको मानूं। वैसे तो रूल आईयूपीएसी ये बोलता है बेटा कि हमेशा हम ज्यादा कार्बन वाले को मेन चेन में लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा कार्बन होने के बाद भी जो मेन ग्रुप यहां पर लगा हुआ है वो किस चेन के साथ लगा हुआ है, इस चेन के साथ लगा हुआ है। मतलब मेन चेन जो होगी वो वही होगी, है ना, यही वाली मेन चेन होगी। मतलब अगर मैं आईयूपीएसी की बात करूं तो गिनती यहां से स्टार्ट करेंगे वन टू, तो दूसरे पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो जब बेंजीन को सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाएगा तो उसको अपन फिनाइल बोलते हैं। याद रखना, जब बेंजीन को जैसे एक कार्बन लगा होता था सात साइड में तो उसको अपन मिथाइल बोलते थे, दो कार्बन को इथाइल बोलते थे, उसी तरीके से बेंजीन रिंग अगर लगाओ तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फिनाइल बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो हो जाएगा टू फिनाइल। क्या हो जाएगा, टू फिनाइल। देखो दूसरे नंबर पर फिनाइल लगा हुआ है, टू फिनाइल और वन ब्रोमो, तो वन ब्रोमो पहले आएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा वन ब्रोमो टू फिनाइल, वन ब्रोमो टू फिनाइल। और दो कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, इथेन बोलते हैं। दो कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, इथेन बोलते हैं। अगर मैं इसके आईयूपीएसी कॉमन नेम की बात करूं बेटा, तो कॉमन नेम में याद रखना कि ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उसके बगल वाले को बीटा कार्बन बोलते हैं। अभी नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे के लिए भी याद रखना, मैं आपको एक पॉइंट याद दिला रहा हूं, यहां पे याद करवा रहा हूं आपको कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कॉमन नेम की बात करेंगे तो जब भी कोई ग्रुप लगा रहेगा तो ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके ठीक बगल वाले को बीटा कार्बन, उसके बगल वाले को गामा, इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी हम ग्रुप की बात करेंगे तो बीआर यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, तो बीआर के ठीक बगल में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। तो आप देख रहे हैं कि बीटा पर फिनाइल लगा हुआ, इसको अभी कॉमन आईयूपीएसी कॉमन नेम में भी फिनाइल ही बोला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, बीटा फिनाइल। मतलब बीटा पोजिशन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, है ना। और कॉमन नेम में इसको क्या बोलते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको, इथाइल ब्रोमाइड। आप समझ गए होंगे कि कॉमन नेम में इसको क्या बोला जाता है, इथाइल ब्रोमाइड बोला जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा फिनाइल इथाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम है। और आईयूपीएसी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बेटा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो ये हेलो एरिन का भी मैंने थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर बता दिया, यही इसका नोमेनक्लेचर है, ये था हेलो एरिन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो अपन पढ़ेंगे आइसोमेरेज। क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरेज। अगला जो टॉपिक है अपना वो है आइसोमेरेज। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइसोमेरेज, इसको मिटा दो। आइसोमेरेज की बात करते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि देखो दो कंपाउंड, दो ऐसे कंपाउंड या दो ऐसे स्पेसीज जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो तो ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। अगर मैं सिर्फ आइसोमेरेज की परिभाषा दूं तो देखो दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन या तो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो या फिर उनका स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब उसका जो स्पेस में अरेंजमेंट है ना, मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि ये कार्बन है तो कार्बन के साथ एक सीएल यहां लगा हुआ है, इधर एक बीआर यहां लगा हुआ है और दूसरे कंपाउंड में भी वही सीएल और बीआर लगा हुआ है लेकिन उसका बीआर की पोजीशन अलग जगह पे है ना। तो मैं अगर बात कर रहा हूं कि थ्री डायमेंशनल अगर चेंज आएगा उसके स्ट्रक्चर में तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि अभी के लिए तो अपन सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं कि वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड जो है वो दो ही प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है। और स्टीरियो भी दो प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में से जो एल्काइल हैलाइड है सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही शो करता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चार पांच प्रकार में से मात्र दो ही प्रकार शो करता है, कौन, एल्काइल हैलाइड, है ना, जिसमें से पहला है पोजीशन आइसोमर्स, है ना। आइसोमेरिज एल्काइल हैलाइड जो है वो पोजीशन आइसोमर्स शो करता है,
है ना, पोजिशन आइसोमेरिज्म शो करता है, और दूसरा चेन आइसोमेरिज्म। ये दो प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही दो प्रकार के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये भी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो और भी टाइप के होते हैं, लेकिन अल्काइल हैलाइड जो है उन सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में से यही दोनों आइसोमेरिज्म शो करता है। इसमें से एक है पोजिशन आइसोमेरिज्म और दूसरा है चेन आइसोमेरिज्म। इसी प्रकार से मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, जो स्पेस में चेंज के कारण होता है, तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। लेकिन जो अपना अल्काइल हैलाइड है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही शो करता है। तो ऑप्टिकल के लिए अपन अलग से एक 10 मिनट का वीडियो बना के मैं आपको दिखा दूंगा, है ना, उसमें आप लोग देखना। अभी अपन सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या है, सबसे पहले अपन पोजिशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, है ना, इसकी अपन बाद में बात करते हैं। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ हेलोजन एटम, चेंज इन द पोजिशन ऑफ हेलोजन एटम। याद रखेंगे कि ये जो चेन आइसो ऑप्टिक, ये कौन सा था, पोजिशन आइसोमेरिज्म है, ये कैसे अराइज होता है, उनके पोजिशन के हिसाब से जो हेलोजन लगा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आप एक एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखना बेटा, CH3 CH2 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 और ये CL। आप देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका अगर IUPAC नेम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1-chloro और ब्यूटेन, चार की चेन है, आप सब देख रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4। पहले नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-chloro-butane हो जाएगा। अगर मैं बात करूं CH3 CH2 CH CL और ये CH3, इसमें भी चार की चेन है बेटा, और यहां पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। तो आप यहां पर देखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-chloro-butane, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2-chloro-butane। मतलब इसमें पहली पोजिशन पे सीएल लगा हुआ है, इसमें दूसरी पोजिशन पे सीएल लगा हुआ है। तो क्या बदला, हेलोजन की पोजिशन बदल गई। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, या फिर उनका पोजिशन डिफरेंट हो। तो आप देखिए क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन, 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, C4H9 और साथ में CL, इसका ये फॉर्मूला। इसमें गिन लीजिए आप, 1, 2, 3, 4 कार्बन, 3, 2, 5, 1, 6 और 3, 9 हाइड्रोजन और 1 CL। तो इसका देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बेटा, लेकिन इनके स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है। इसमें CL पहले पोजिशन पे लगा, इसमें CL दूसरे पोजिशन पे लगा, मतलब इसके हेलोजन की जो पोजिशन है वो डिफरेंट है। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा बेटा, पोजिशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, आप लोग ये समझ गए होंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं ये चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दो ही पर, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो अल्काइल हैलाइड है, हेलो एल्केन है, ये दो प्रकार का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है, एक पोजिशन और दूसरा चेन आइसोमेरिज्म। ये आपने क्या देखा बेटा, पोजिशन आइसोमेरिज्म देखा। अब मैं आपको बता रहा हूं चेन आइसोमेरिज्म, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको चेन आइसोमेरिज्म बताता हूं। एक सेकंड, इसको मिटा दूं। अब मैं आपको बता रहा हूं चेन आइसोमेरिज्म, ध्यान से देखना। इसमें क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द कार्बन चेन, डिफरेंस इन द कार्बन चेन, है ना। इस टाइप के जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो कार्बन चेन में, जैसे एग्जांपल आप देखिए,
अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं बेटा, तो ये देखो CH3, CH2, CH2 और ये Cl, CH2 और ये Cl, और इसी तरीके से एंड लिख के यहां पर क्या लिख देंगे, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, Cl। अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें कितने कार्बन है बेटा, चार की चेन है ना। पहले अपन गिन लेते हैं, 1 2 3 4, चार कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9, चार कार्बन, 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। इसमें गिनो 1 2 3 4, चार कार्बन, 3 3 6 2 8 और 1 9, 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें कितने की चेन है बेटा, चार की चेन है, 1 2 3 4। इसमें कितने की चेन है बेटा, तीन की चेन है, 1 2 और 3। नाम भी दोनों का बदल जाएगा है ना, लेकिन मेन बात क्या है, इसमें चार की चेन है, इसमें तीन की चेन। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंट है, जो चेन है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स बोलते हैं, या चेन आइसोमर्स बोलते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं नाम लिखना चाहूँ तो इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो-ब्यूटेन, और इसका नाम हो जाएगा बेटा 1-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन। आप देखिए इसका नाम भी बदल गया, ये प्रोपेन है और ये ब्यूटेन है। क्यों बदला, क्योंकि इसका चेन जो है वो बदल गया। आप लोग ये समझ गए होंगे, ये क्या था बेटा, चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे बेटा आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा यहां पर कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अभी मैं जो मैं ये ऑप्टिकल की बात नहीं किया हूं, अलग से मैं बता दूंगा, या लाइव क्लास में किसी दिन आपको बता दूंगा ऑप्टिकल के बारे में, वो भी बहुत आसान है बेटा है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा काइरल कार्बन अपन जानते हैं, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो किसका टाइप है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब 3D डायमेंशन में, मतलब 3D डायमेंशन में या स्पेस में उसका स्ट्रक्चर जब डिफरेंट, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका अलग होगा, उसको अपन बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। दो प्रकार के होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, पहला होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स ही शो करता है कौन, अपना अल्काइल। ठीक, अब ये काइरल कार्बन है ना, एक बात आप याद रखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ वही कंपाउंड शो करेगा, है ना। आप लोग इसको सुन लो, आंसर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्टिकल आइसोमर्स सिर्फ और सिर्फ वही कंपाउंड शो करते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। पहली बात, जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वही ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होंगे, तो आप सुनना ध्यान से, ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ और सिर्फ वही होंगे जिनके कंपाउंड में, जिनके मतलब जिस कंपाउंड में किसी कोई भी एक कार्बन जो है वो काइरल कार्बन। अब ये काइरल कार्बन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, है ना, ये काइरल कार्बन क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, काइरल कार्बन। मैं पहली बात क्या होता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ वही कंपाउंड शो करेगा जिस जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, और ऑप्टिकली एक्टिव सिर्फ और सिर्फ वही होंगे जिसके पास कम से कम एक कार्बन जो है वो क्या हो, काइरल कार्बन है। अब आप ये काइरल कार्बन का मतलब क्या समझेंगे, काइरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है बेटा जिसके चारों ओर अलग अलग ग्रुप लगे हों। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं अल्काइल हैलाइड का एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना, ये है C2H5, यहां पर है CH, यहां पर है Cl, है ना, यहां पर लगा है CH3। अब आप देखिए ये कंपाउंड है 1 2 3 4, चार कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, है ना, दो कार्बन यहां पर, तो ये इसका नाम क्या होगा, 2-क्लोरो-ब्यूटेन है ना, ये 2-क्लोरो-ब्यूटेन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 2-क्लोरो-ब्यूटेन में ये वाला जो कार्बन है बेटा, इस कार्बन के एक तरफ क्या लगा है, क्लोरीन, एक तरफ क्या लगा है, CH3, और इस कार्बन के एक तरफ क्या लगा हुआ है, अगर आप इसको और शॉर्ट में लिख देंगे तो ऐसे लिख देंगे, है ना, इस कार्बन के एक तरफ Cl लगा है, इस कार्बन के एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ H लगा है, और एक तरफ क्या लगा है बेटा, C2H5 लगा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कार्बन जो है काइरल कार्बन है बेटा, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, काइरल कार्बन है। और अगर ये काइरल कार्बन है तो आप समझ गए होंगे कि ये जो 2-क्लोरो-ब्यूटेन था, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या 2-क्लोरो-ब्यूटेन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो आप बोलेंगे यस, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि 2-क्लोरो-ब्यूटेन में एक कार्बन ऐसा है जिसके चारों ओर अलग अलग ग्रुप लगे हैं, मतलब एक कार्बन काइरल कार्बन है। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब ये अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
है ना, याद रखेंगे इसका अपन मिरर इमेज बनाएंगे, इसका अपन मिरर इमेज बनाएंगे, तो इसका ये जो Cl है उस साइड चला जाएगा और ये जो C2H5 है उस साइड चला जाएगा, है ना। ये H अपनी पोजीशन पे रहेगा, ये CH3 अपनी पोजीशन पे रहेगा, Cl की पोजीशन इधर हो जाएगी और C2H5 की पोजीशन इधर हो जाएगी। इसमें से अपन इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो डी से डिनोट करते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, है ना। आप याद रखिए, बहुत आसान है बेटा, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूं अभी, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, आप इतना दिमाग में रख लो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स सिर्फ और सिर्फ वही कंपाउंड शो करते हैं जिसके पास कम से कम एक कार्बन क्या हो बेटा, कायरल कार्बन, एक कार्बन क्या हो बेटा, कायरल कार्बन, ठीक। और कायरल कार्बन अपन किसको बोलते हैं, जिसके चारों मतलब जिसके चारों ओर अलग अलग ग्रुप लगे, जैसे कि आपने देखा कि 2-क्लोरोब्यूटेन में एक कार्बन ऐसा था जिसके चारों ओर अलग अलग ग्रुप लगे हुए थे, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोब्रिज शो करेगा, तो ऑप्टिकली आइसोब्रिज शो करेगा, तो इसमें से एक क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक क्या कहलाता है बेटा, लीवो रोटेटरी, ठीक है। मतलब है ना, और भी बहुत सारी बातें मैं बोलूंगा तो और आप कंफ्यूज होते चले जाओगे, है ना। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, आप तो सिर्फ इतना याद रखें कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं बेटा, देखो ये हेलो एल्केन है कि नहीं बेटा, ये हेलो एल्केन ही तो है, 2-क्लोरोब्यूटेन क्या हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन ने शो किया कि नहीं, ऑप्टिकल आइसोब्रिज शो किया कि नहीं, क्यों किया, क्योंकि कुछ हेलो एल्केन ऐसे होंगे जिसका कोई कार्बन कायरल होगा, और अगर वो कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोब्रिज शो करेगा, है ना। आप इस, अगर आपको थोड़ा कम समझ रहे हैं, इस पॉइंट को आप बार बार देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं हूं, आप कॉल मैसेज करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बेटा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन C5H11Br। देखो एक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है C5H11Br, एक फॉर्मूला दिया हुआ बेटा, और आपको बोल रहा है कि बताओ कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो होगा। तो आप देखो, एक जनरल क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि भाई ये C5H11Br ये तो हेलो एल्केन की तरह दिख रहा है, बिल्कुल हेलो एल्केन है। अगर ये हेलो एल्केन है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो ये दो ही शो करता है, या तो चेन या फिर पोजिशन। तो आप फटाफट गिन लेंगे इसको, कैसे गिनेंगे, तो पहले अपन बात करते हैं, देखो है ना, मैं यहां पर नंबर वन से लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले CH3 CH2 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 और ये Br, हमने 5 कार्बन बना दिए, उसके साथ Br लगा दिए। देखो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, देखो 5 कार्बन 11 हाइड्रोजन 1 Br लग गया। आप इसके पीछे मत जाओ कि भाई ये कैसे सर अपने मन से 3 लगा दिया, ये 2 लगा दिए, वो तो आपको पता है वैलेंसी, हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन क्यों लगाए, क्योंकि ये कार्बन इधर से एक बॉन्ड बना रहा था, कितने बॉन्ड बचे, 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ये कार्बन 1 और 2 बॉन्ड बना रहा था तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए, तो 4 हो गए। ये कार्बन 1-2 बॉन्ड बना रहा था, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा तो 4 हो गए। तो इस तरीके से अपन ने बनाया, ठीक। इसका नाम क्या होगा बेटा, ये होगा 1-ब्रोमो-पेंटेन। इसका नाम क्या होगा बेटा, 1-ब्रोमो-पेंटेन। ये तो आप समझ गए होंगे, ये क्या है बेटा, 1-ब्रोमो-पेंटेन है, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में दूसरा बात करते हैं, आपने फिर से क्या किया, CH3 CH2 CH2 CH CH3 और Br को आपने यहां लगा दिया, तो भाई ये और ये आपस में क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि पहली बार में Br यहां लगा हुआ था, अब Br यहां लगा दिया। तो आप देख सकते हैं यहां पर, यहां से गिनती स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, दूसरे पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2-ब्रोमो-पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2-ब्रोमो-पेंटेन हो जाएगा। तीसरा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तीसरा CH3 CH2 CH, यहां पर हमने लगा दिया Br CH2 CH3। अब आप देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, 3-ब्रोमो-पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-ब्रोमो-पेंटेन। ये भी पोजीशन आइसोमर्स, देख लो ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। अब हम, ये तो 5 की चेन हो गई, अब हम 4 की चेन की बात करते हैं। तो 4 की चेन में है ना, ये चौथा आइसोमर कहलाएगा ये CH3 CH3 CH2 CH, यहां पर लगा दिया CH3 और यहां पर CH2 और ये रहा आपका Br। देखना बेटा ध्यान से, अब ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स कहलाएंगे,
ये भी आपस में चेन आई, ये सब आपस में क्या कहलाएंगे, चेन आई, क्योंकि यहाँ पर चेन बदल गया ना बेटा, यहाँ पर चार की चेन आ गई, देखिए चार की चेन आ गई, यहां से गिनती स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो पहले पे लगा है बी आर और दूसरे पे लगा है सी एस थ्री, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और ये क्या हो जाएगा बेटा ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा बेटा ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए पांचवे की बात करते हैं बेटा, पांचवे की बात करते हैं, ये हो जाएगा सी एस थ्री, ये जो सी एस थ्री है ना मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, सी एच टू सी एच टू और ये बी आर। अब देखो ये दोनों आपको देखने में एक ही सर, नहीं अभी दूसरे पोजिशन पे सी एस थ्री लगा हुआ था, अभी यहां पर तीसरे पे सी एस थ्री लगा दिया। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर 1 2 3 4 ये दोनों आपस में पोजिशन कहलाएंगे, लेकिन इनके साथ ये क्या कहलाएंगे, चेन कहलाएंगे, क्योंकि इनमें चेन का अंतर और इनमें पोजिशन का अंतर है। तो आप देखिए 1 2 3 4 तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। छठे नंबर की बात करते हैं बेटा, अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, इस बी आर को यहां लगा देते हैं, ये हो जाएगा सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एच बी आर और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा सी एस थ्री। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये चार की चेन फिर से है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, इधर से क्यों नहीं गिना, इधर से भी दूसरे पे था, इधर से भी, इधर से क्यों गिना बेटा, क्योंकि ये ब्रोमो का बी पहले आता है, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आप समझ गए होंगे, दूसरे पे ब्रोमिन लगा है, तीसरे पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें और भी बनेंगे बेटा, देखो और क्या क्या बनेंगे, ये तो 6 हो गए बेटा, और क्या क्या बनेंगे वो देखिए, सातवा सी एस थ्री सी एच टू सी सी एस थ्री सी एस थ्री और यहां पर क्या लगा दिया बी आर। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 कार्बन 3 2 5 3 8 3 11 11 भाई कंपाउंड वही, इसमें देखिए कितने कार्बन है भाई, 4 1 2 3 4 दूसरे पे लगा हुआ है, उसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और ये क्या हो जाएगा बेटा ब्यूटेन। और एक और बन जाएगा बेटा 3 कार्बन की चेन वाला सी एस थ्री सी सी एच टू और ये बी आर, यहां पर भी सी एस थ्री यहां पर भी सी एस थ्री। आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि ये कितने की चेन है बेटा, 3 की चेन है, 1 2 3 दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ, पहले पे ब्रोमो लगा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन। तो टोटल कितने आइसोमर बने बेटा, 8 आइसोमर बने, टोटल कितने आइसोमर बने, 8, यही 8 आइसोमर बनते हैं जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक, तो आज की क्लास इतनी, अपन फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना, तो ये आपका नोमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन भी समाप्त होगा और आइसोमर वाला क्वेश्चन समाप्त होगा। थैंक यू।